गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास, हाउ आर यू ऑल। चलिए लेट्स स्टार्ट अवर 10th चैप्टर हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं? ठीक है, व्हाट आर हेल्दी हैबिट्स? ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड एंड हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें अच्छी गुड हैबिट्स या हेल्दी हैबिट्स हों जो हमें क्या रखें, हेल्दी रखें। ठीक है, यू शुड ऑलवेज हैव सम हैबिट्स विच कैन कीप यू हेल्दी एंड फिट। ठीक है, हमेशा हमें ऐसी हैबिट्स रखनी चाहिए जो हमें हेल्दी और फिट रखें। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग वॉक इज वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। वी हैव टू गो टू मॉर्निंग एक्सरसाइज। मॉर्निंग एक्सरसाइज से क्या होंगे, हम वॉक करेंगे तो हमारे लेग के जो मसल्स होंगे वो वर्क करेंगे। ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, फ्रेश एयर मिलेगी हमें। ठीक है, यू शुड ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। आपको टू टाइम आपको क्या करना है, अपने टीथ को ब्रश करना है सोने से पहले, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपको माउथ को वॉश करके सोना है और ब्रश करके सोना है ताकि आपकी टीथ में जर्म्स ना लगें, और आपको मॉर्निंग में उठ के ठीक है आपके अपने टीथ को क्लीन करना है। यू शुड कीप योर नेल्स क्लीन एंड शुड ट्रिम दैम। ठीक है, रेगुलरली यू हैव टू ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, बिकॉज हमारे नेल्स में जो क्या होता है, अंदर बहुत डर्ट बहुत गंदा जम जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम हैंड से क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नेल्स को ट्रिम करना चाहिए। नेक्स्ट है, यू शुड चेंज योर क्लोथ डेली। आपको अपने क्लोथ्स को डेली चेंज करना चाहिए, क्लीन क्लोथ को आपको वेयर करना चाहिए। कॉम योर हेयर एट लीस्ट 2 times अ डे। अपने हेयर्स को नीटली और प्रॉपरली रखना चाहिए, उनको ऑयलिंग करनी चाहिए और हेयर्स को प्रॉपर कॉम करना चाहिए। मैसी हेयर नहीं रखते हैं। ठीक है, ये गुड हैबिट्स हैं कि हेयर को प्रॉपरली कॉम करना है। ऑलवेज यूज डस्टबिन फॉर थ्रो अ वेस्ट। वेस्ट को इधर उधर नहीं थ्रो करना है, डस्टबिन के इधर उधर कूड़ा पड़ा हुआ है ये अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज यूज डस्टबिन फॉर थ्रोइंग वेस्ट। कीप योर सराउंडिंग क्लीन। अपने आस पास जहाँ भी आप हो वहाँ पे आपको क्लीन करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स एवरी टाइम बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर मील। डू नॉट ईट अनकवर फूड। ठीक है, एंड डू नॉट ईट जंक फूड ऑल्सो। जंक फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड सैलड्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो। ईट फ्रूट्स टू कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज। इफ यू ईट सैलड ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है, तो डिजीज आपको कभी भी आपकी बॉडी को टच नहीं कर पाएंगी, हार्म नहीं कर पाएंगी। What are good manners? ठीक है, good manners are if anyone give us something, we should say him thank you, him or her. Don't forget to say thank you every time when you get something from someone. ठीक है, sorry if you do any mistake, say sorry. ठीक है, say excuse me after coughing or sneezing. ठीक है, say please when you want and get some. When you take gifts or someone else give you something, you should say thank you to him. If you made any mistake, say sorry. ठीक है, और if you want to talk to someone या फिर कोई भी coughing, sneezing या फिर कुछ भी ऐसा, तो आपको क्या बोलना है, excuse me. ठीक है, सो स्टूडेंट दीज आर गुड हैबिट्स। ठीक है, हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, ये हैं गुड मैनर्स। आपके क्या हैं गुड मैनर्स? थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज, इफ यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम समवन। अगर आपको किसी से कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, वट विल यू से? यू से प्लीज गिव मी दैट पेन, प्लीज गिव मी दिस बुक। ठीक है, अगर आपको किसी से बात करनी है, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेयर मी, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगर आपको किसी से कुछ, अगर आपने किसी के सामने स्नीज कर दिया या कफ कर दिया है, तो यू शुड से एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है,